Hello there, KP fam. What's up? And how you all are doing? So this is KP Styles and welcome back to my channel, guys. Like KP Styles and KP Styles Mom. So आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना Q&A वीडियो, बिकॉज मैंने एक पोस्ट डाला था जिसमें आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे थे. सो आई थॉट मुझे उसको आंसर करना चाहिए, बट एक्चुअली द थिंग वॉज वो मैं अपनी फ्रेंड के साथ बनाने वाली थी बट हमें टाइम नहीं लगा, तो मैंने सोचा मॉम के साथ बनाते हैं, ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा. सो या हेयर वी आर. तो वीडियो में जाने से पहले मम्मी क्या करना होता है वीडियो को? लाइक करना होता है. और क्या बोलती हूँ मैं? लाइक आई डू. मैंने जो ये लाइक बोलती हूँ हाउ यू ऑल आर डूइंग, वो मम्मी हमेशा सुनती है पर मम्मी को समझ नहीं आता तो ये लास्ट में डू है क्या बोलती है. ओके, सो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट रोलिंग. ओके, सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फ्रॉम मल्लिका साहा. उन्होंने पूछा है कि आप अपनी, पहला उन्होंने क्वेश्चन बोला है माय फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई सो ब्यूटीफुल दीदी. इसका आंसर तो मम्मी देगी. मम्मी मैं ब्यूटीफुल क्यों हूँ? आप बहुत सुंदर है इसलिए. मेरी मम्मी सुंदर है इसलिए मैं भी सुंदर हूँ, बस बात कर दो. ओके, एंड जो सेकंड क्वेश्चन है वो था कि यूट्यूब जर्नी शेयर करो एंड हाउ मच यू अर्न फ्रॉम यूट्यूब. तो यूट्यूब जर्नी पे मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगी, लाइक एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो होगा कि मैं कितना अर्न करती हूँ, कैसे मैंने स्टार्ट किया, तो उसके लिए आपको सेपरेट वीडियो मिलेगा. ओके, सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन गोल बिफोर एंड नाउ. मतलब मैं क्या करना चाहती थी, मम्मी बताओ मैं क्या करना चाहती थी? बैंक की जॉब करना चाहती थी, पर इसको इंटरेस्ट एक्चुअली इसमें ब्यूटी पार्लर वाले में था, इसलिए इसने यही काम किया. हाँ, तो मेरे को ये था कि मैं बैंकिंग में जाऊंगी, बैंकिंग सेक्टर में जाऊंगी, बट मुझे पता लग गया था कि मेरे बस की नहीं है. एंड मुझे ज्यादा इंटरेस्ट इस चीज में था, सो मतलब मैंने इसी पे ज्यादा ध्यान देना स्टार्ट किया एंड ये मेरा अच्छे से चल गया, तो अब मैं फुल टाइम यही कर रही हूँ. एंड ऑल्सो उन्होंने बोला है कि ये क्वेश्चन टीना चैटर्जी की तरफ से है, हाउ डू यू मैनेज अदर थिंग्स, लाइक आप बाकी चीजें कैसे मैनेज करते हो? सो द थिंग इज मैं अभी फुल टाइम यूट्यूब ही कर रही हूँ, तो मुझे बाकी चीजों को उतना मैनेज नहीं करना पड़ता. लाइक मैं टाइम मैनेजमेंट कर लेती हूँ कि मुझे कितने से कितने बजे तक यूट्यूब करना है, एंड देन मुझे अपना जिम जाना होता है एंड बाकी स्टफ. तो या ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम एंटरटेनमेंट. बंदे का नाम है एंटरटेनमेंट है पता नहीं. अच्छा, उन्होंने बोला है हाउ डू यू कीप योर सेल्फ फिट, डू यू गो टू जिम, क्या वर्कआउट करते हो, डेली मील प्लान क्या है? तो मैं जिम जाती हूँ. मेरा मील प्लान एज सच कुछ नहीं है. मम्मी सुबह गोभी, आज जैसे मम्मी ने आज मुझे सुबह गोभी के परौंठे खिलाए हैं, आज सुबह गोभी के परौंठे खा लिए हैं, कल कुछ और मिल जाएगा. तो मेरा कुछ एज सच मील प्लान नहीं है, मैं कोई पर्टिकुलर मील प्लान फॉलो नहीं करती. मैं नॉर्मली जो घर का दाल रोटी होती है मैं वही खाती हूँ, या कई बार जैसे चीट मील हो जाता है बस वो हो जाता है. ठीक है, ओके, नेक्स्ट है प्रिंसी प्रिया, हैव यू एवर बीन टू असम, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट असम? तो हम असम नहीं गए. मम्मी हम गए असम कभी? हम नहीं गए. हाँ, तो हम कभी असम नहीं गए, तो आई एम सॉरी, मुझे इतना कुछ पता नहीं है. ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं कल पढ़ रही थी और मैंने मम्मी से क्वेश्चंस पूछे थे. मम्मी मेरा ये क्वेश्चन है अनन्या छावड़ा की तरफ से. मम्मी मेरा फेवरेट फूड बताओ क्या है? फेवरेट फूड? हाँ बताओ यार, आपको पता है मेरे को क्या पसंद है घर का? इडली सांबर? नहीं नहीं, काले छोले. काले छोले, छोले चावल, काले छोले तड़के वाले एंड चावल. हाँ, सूखे छोले जो होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. अच्छा, मेरा फेवरेट कलर? मेरा फेवरेट कलर है रेड. मैं रेड डालती ही नहीं, ब्लैक है मेरा फेवरेट कलर. अच्छा, फेवरेट मूवी एंड वाई, ये मैंने आपको कल ही बताया है. ओम शांति ओम. ओम शांति ओम, ये मेरी मम्मी को नहीं पता था. कल मैंने स्पेशल अपने भाई को फोन किया, क्योंकि सिर्फ मेरे भाई को पता है कि मेरी फेवरेट मूवी कौन सी, और उसने डायलॉग में 50 बार से ज्यादा देख चुकी हूँ ओम शांति ओम. मेरे को उसके एक एक डायलॉग रटे हुए हैं. गाइस, विंटर्स में जो हमारी स्किन है वो बहुत ही ज्यादा ड्राई एंड डल हो जाती है, एंड वी स्टार्ट क्रेविंग फॉर दैट परफेक्टली ग्लोइंग एंड सॉफ्ट स्किन. आई हैव दिस अमेजिंग न्यूली लॉन्च रेंज फ्रॉम मामा अर्थ, विच आर देयर नरिशिंग कोल्ड क्रीम. यहाँ पे आई हैव सम ऑफ देयर पॉपुलर इंग्रेडिएंट्स, विच इज कोको, जो बहुत ही क्यूट सी पैकेजिंग में आपको रिसीव हो जाता है, उपटन जो आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, एंड विटामिन सी विच इज माई मोस्ट फेवरेट गाइज. तो गाइज, दीज क्रीम्स आर टोटली टॉक्सिन फ्री एंड इंडियाज फर्स्ट मेड सेफ सर्टिफाइड कोल्ड क्रीम्स. सो माय मोस्ट फेवरेट वन इज द विटामिन सी कोल्ड क्रीम. सो गाइज, विटामिन सी एक्चुअली स्पीड्स अप द नेचुरल रीजेनरेशन प्रोसेस ऑफ योर स्किन, एंड ये बहुत ही जल्दी अब्सॉर्ब भी हो जाती है. रियली अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स, दैट इज हनी है इसके अंदर, यहाँ पे लेमन ऑयल है,
ऑलिव ऑयल है एंड इट इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एट द सेम टाइम. हनी जो है वो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से नरिश कर देता है, बिल्कुल भी आपकी स्किन को ड्राइनेस नहीं होने जाता, वो परफेक्ट यू नो एक ग्लोइंग स्किन आपको प्रोवाइड करता है. एंड ऑर्गेनिक लेमन ऑयल जो है वो आपकी सारी इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देता है. आफ्टर अप्लाइंग इट यू विल फील ये बिल्कुल आपको एक नॉन ग्रीसी एंड नॉन स्टिकी काइंड ऑफ यू नो एक फिनिश प्रोवाइड कर देता है विच लुक्स सुपर गुड. सो गाइज दीज क्रीम्स आर टोटली नेचुरल एंड डू नॉट हैव एनी हार्मफुल केमिकल्स इन इट. सो गाइज ये कोल्ड क्रीम्स जो है वो आपको इजिली अवेलेबल हो जाएगी ऑन Amazon, Nykaa, Purple एंड फर्स्ट क्राई फॉर बेबी प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो ऑन मामा अर्थ का ऑफिशियल एप. यस गाइज यू हर्ड मी राइट, मामा अर्थ हैव ऑल्सो लॉन्च देयर ऑफिशियल ऐप, तो आप वहां से भी इसको बाय कर सकते हो. एंड अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे स्टाइल्स 2022 तो आपको मिलेगा 20% ऑफ ऑन मामा अर्थ की वेबसाइट एंड मामा अर्थ का ऑफिशियल ऐप. ऑल्सो गाइज एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम दे लिंक योर ऑर्डर ऑन अ वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट एंड एग्जैक्ट जियो लोकेशन एंड स्पीशीज आर एक्चुअली सेंड टू यू. एंड बाय 2025 मामा अर्थ इज एक्चुअली एमिंग टू प्लांट 1 million ट्रीज. एज यू नो गाइज मामा अर्थ इज ऑल अबाउट गुडनेस इन साइड एंड द गुडनेस जस्ट डोंट लाइक inside their product but also in the values that they share. फेवरेट डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मेरी ऐसी कोई फेवरेट नहीं है, मतलब कहीं भी चलो घूमने फिरने तो कहीं भी बंदा चला जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम दैट गोल्डन गर्ल. उन्होंने बोला है विच फोन कैमरा यू यूज फॉर शूटिंग, क्या ऐप करते हो. पहला जो मैं फोन यूज करती हूँ, मैं अपना फोन ही यूज करती हूँ, iPhone 11. मैं भी कैमरा यूज नहीं करती हूँ. ठीक है, ऐप मैं यूज करती हूँ iMovie एडिट करने के लिए. वेयर डू यू लाइक टू शॉप फ्रॉम, अगर मैं शॉपिंग कहाँ से करती हूँ मम्मी, ऑनलाइन शॉपिंग करती है. हाँ, मुझे ऑनलाइन ही ज्यादातर पसंद है, मार्केट से भी कर लेती है पर ज्यादा ऑनलाइन ही करती है. बाजार हम जैसे कभी चले गए कुछ मम्मी की शॉपिंग करने, मुझे कुछ हल्का बहुत पसंद आ गया, बेसिक जो घर डालने वाली चीज होती है ना वो मैं मार्केट से लेती हूँ. सो या व्हाट डू यू डू विद सो मेनी लिपस्टिक और मेकअप प्रोडक्ट. मैं इतने मेकअप प्रोडक्ट और लिपस्टिक का क्या करती हूँ, मैं खाती हूँ. मैं खा जाती हूँ लिपस्टिक्स और अपने मेकअप प्रोडक्ट. ठीक है, और वैसे कि मजाक में था, यूज हो जाते हैं मेरे, बिकॉज मेरा काम ही है मुझे डेली बेसिस पे मेकअप करना होता है. सो यूज हो जाते हैं मेरे मेकअप प्रोडक्ट, मेरे वेस्ट नहीं होते हैं. क्वेश्चन है फ्रॉम लिब्स, उन्होंने 4 क्वेश्चंस भेजे हैं. ठीक है, स्मॉल यूट्यूब जर्नी टिल नाउ, जिसमें मैं वीडियो बनाऊंगी. हाउ मच टाइम डिड इट टेक फॉर 1K सब्सक्राइबर. एक्चुअली गाइज मुझे साल हो गया था, पहले मैं क्या करती थी ना, मैं बहुत ज्यादा यूट्यूब पे फोकस नहीं करती थी बिकॉज मेरा कॉलेज होता था, देन बीच में मेरी इंटर्नशिप थी, तो उसकी वजह से मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाती थी यूट्यूब को. मैं 2-3 महीने में एक वीडियो अपलोड करती थी, सब्सक्राइबर्स इतने नहीं बढ़े. फिर 1 साल के बाद जब लॉकडाउन हुआ था तब मैंने थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट किया था, और उसके बाद मेरे 1K सब्सक्राइबर हो गए थे. एंड तब से मेरा कॉन्टिन्यूस है. ठीक है, नेक्स्ट है योर फेवरेट यूट्यूबर्स. मेरे एक्चुअली बहुत ज्यादा फेवरेट यूट्यूबर्स है, मैं शाई स्टाइल्स को बहुत ज्यादा देखती हूँ. ठीक है, देन मैं फ्लाइंग बीज देखती हूँ, उनका ब्लॉगिंग चैनल है. ठीक है, एंड मतलब बहुत सारे एक्चुअली. ग्लैमजिला इज वन ऑफ माई फेवरेट, वो इतनी अमेजिंग वीडियोज बनाती है ना, सच ए कूल पर्सनैलिटी, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है. एंड बहुत है यार, निधि कटियार है, एंड देन श्रेया जैन है, बोहो गर्ल है, दीक्षा खुराना, बहुत सारे हैं. मैं जब फ्री होती हूँ मैं यूट्यूब ही देखती हूँ, एंड मेरे को नहीं लगता कोई ऐसा होगा जिसको मैंने नहीं देखा होगा, मैं सबको देखती हूँ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम प्राची सिन्हा. आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हो या सिंगल फैमिली में, तो बताओ. तो सिंगल फैमिली है हमारी. हाँ, मतलब हमारे ऊपर रहते हैं चाची हैं, बट नीचे वाले पोर्शन में हमारी हमारी फैमिली है. हाँ, नेक्स्ट लिखा है डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड. आप इतनी प्रीटी एंड बबली हो, ऑफ कोर्स होगा. नहीं, डोंट वरी गाइस, नहीं है. ओके, हम सीधा शादी करेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूटी पाई मेकओवर का. आपके पेरेंट्स कहाँ हैं, उनको कभी देखा नहीं. ये नहीं, नहीं आप अगर मेरी व्लॉग वीडियोस देखोगे ना, मेरी मम्मी तो हर व्लॉग में होती है, मेरे गिनती के व्लॉग्स डाल रखे, और उसमें मेरी मम्मी तो होती ही होती है. मैं घर होती हूँ तो यार यही है मेरी फ्रेंड, इसी को दिखाऊंगी मैं. और मैंने पापा भी अपने एक दिवाली वाले व्लॉग में दिखाए थे लास्ट में, तो या मतलब मेरा भाई ज्यादातर आता नहीं है, कभी आएगा तो मैं दिखा दूंगी. ओके, ठीक है. एकम कौर ने पूछा है विच स्ट्रीम यू हैड इन क्लास 11th. आपको पता है मेरे पास क्या स्ट्रीम थी? कॉमर्स. मेरे पास कॉमर्स थी. ठीक है, योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन. तो मैंने बीबीए किया हुआ है, अभी मुझे दो साल हो गए ना ग्रेजुएट हुए. हाँ, 2 साल हो चुके हैं, एंड अभी आई एम डूइंग यूट्यूब.
ठीक है, सो कृतिका शुक्ला ने पूछा है योर प्लान्स फॉर गेटिंग मैरिड. तो मैं अभी सिर्फ 21 हूँ, मेरे कोई प्लान नहीं है शादी करने के, अभी तो 3-4 साल तो देखो. हाँ, और ऊपर से अभी मेरा बड़ा भाई भी है, मेरे से 7 साल बड़ा है वो, तो उसकी शादी नहीं हुई, तो मेरी शादी तो अभी बहुत टाइम है. अभी मेरे को कोई जल्दी नहीं है, मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ. मेरे को बहुत अच्छे से लगते हैं ये लोग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम शालिनी कुमारी. उन्होंने पूछा है डू यू हैव एनी पेट. मम्मी आपको अच्छे लगते हैं पेट? नो. मेरी मम्मी को भी नहीं अच्छा लगता, मेरे को तो डर ही इतना लगता कि मैं तो घर से ही चल जाऊंगी पेट आ गया तो. आर यू स्टडिंग? नहीं, मैं कुछ नहीं पढ़ रही हूँ फिलहाल. हाउ मच टाइम डू यू गिव टू, शालिनी कुमारी ने देखना 8 questions पूछे हैं. वाओ, ओके. हाउ मच टाइम डू यू गिव टू यूट्यूब? तो लाइक 3-4 hours तो डेली बेसिस पे देने ही पड़ते हैं. ठीक है, फोन मैं यूज करती हूँ आईफोन. मेरी फेवरेट डिश, डिश मतलब घर का तो मम्मी बता चुकी है, छोले चावल. बाहर अगर मैं फास्ट फूड में बात करूँ तो मेरे को बेसिक चीज है पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, रैप हो गया एंड कोल्ड कॉफी. लाइक कॉफी के बिना मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती. यू लाइक आइसक्रीम और चॉकलेट? मम्मी मेरे को बताओ, आइसक्रीम पसंद है कि चॉकलेट पसंद है? चॉकलेट्स मुझे ज्यादा पसंद है. आइसक्रीम मैं खा लेती हूँ बट चॉकलेट मुझे ज्यादा पसंद है. टी, ग्रीन टी, कॉफी या कुछ नहीं? बताओ मम्मी. टी, कॉफी. ठीक है, एंड विच सीरीज यू वॉचिंग करंटली? अच्छा, मैं नेटफ्लिक्स पे, मेरा यूजुअली होता है मैं 2-3 सीरीज इकट्ठी देखती हूँ. तो मैं अभी देख रही हूँ एमिली इन पेरिस एंड पीकी ब्लाइंडर्स, वो साथ साथ चल रही है मेरी, मेरा ऐसे ही चलता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम आयुषी शर्मा. उन्होंने पूछा है कि आप फ्यूचर में मेकअप का करियर ही चूज करोगे या आपका कोई और प्लान है? सो मेकअप एज इन मुझे मेकअप आर्टिस्ट नहीं बनना है बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट. मुझे दूसरों पे करना नहीं आता है, मैंने कोई कोर्स नहीं किया. लाइक जो सीखा है मैंने खुद ही सीखा है. ठीक है, मैंने YouTube से देखे. मेरी मम्मी को बिल्कुल शौक नहीं है मेकअप का. लाइक आप देख सकते हो मेरी मम्मी प्लेन खड़ी है और मैं इतना मेकअप करके खड़ी हूँ, फिर भी मम्मी मेरे से अच्छी लग रही है. ठीक है, बट ये है कि मेरी मम्मी को शौक नहीं था, बट मुझे छोटे होते से ही शौक था. एंड लाइक मैंने ऑनलाइन यूट्यूब पे देख देख के सीखा कि कैसे मेकअप करते हैं. सो मेरा मतलब यूट्यूब ही मैं फोकस करूंगी, बट मेकअप आर्टिस्ट बनने का मेरा कोई इरादा नहीं है. ओके, नेक्स्ट है फ्रॉम साइशा भेमरे. सॉरी अगर मैं आपकी सरनेम गलत बोल रही हूँ. व्हाट इज योर फुल नेम? दी, मेरा नाम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा. कमलप्रीत कौर भामरा. ठीक है, आपको यूट्यूब चैनल में कौन सपोर्ट करते हैं? मेरे को सारे सपोर्ट करते हैं. मेरे घर में ऐसा कोई हिसाब नहीं है कि यूट्यूब नहीं करना और ये क्या वो क्या. मतलब मैं कोई कपड़े भी डालती हूँ ना, कोई चाहे छोटी ड्रेसेस हो, वो मेरी हर कुछ मम्मी करती है. फोटोज मम्मी करती है या मेरा भाई फोटोज कर देगा. मेरे पापा को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे घर में बहुत सपोर्टिव है, मेरे को किसी चीज को लेकर कोई दिक्कत नहीं है. आपके फैमिली मेंबर्स में कौन कौन है? ओहो, 12 questions साइशा भेमरे ने भेजे हैं. मेरे फैमिली मेंबर्स में मेरी मम्मा, मेरे पापा, मेरा भाई और मेरे बड़े पापा एज इन दादू. ठीक है, आपको यूट्यूब चैनल ओपन करने का कैसे सूझा? कुछ नहीं, मैंने पहले एक मेहंदी चैनल स्टार्ट किया था, मैं उसमें मेहंदी लगाती थी बिकॉज आई एम रियली गुड मेहंदी आर्टिस्ट. मुझे बहुत अच्छी लगानी आती है. लाइक मैं स्कूल में पांच छह साल लगातार मैं फर्स्ट आई हूँ, उसकी ट्रॉफीज एंड सर्टिफिकेट्स पड़े हैं. तो लाइक मैंने वैसे ही स्टार्ट किया था, बट फिर मैंने सोचा यार मुझे मेकअप खुद पे तो करना आता ही है तो मैं स्टार्ट कर सकती हूँ. ठीक है, आप क्या करते हो जॉब में? मैं कोई जॉब नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ यूट्यूब करती हूँ. वेयर डू यू लिव? हम अपने घर में रहते हैं. हम अपने घर में रहते हैं. योर स्कूल कॉलेज फ्रेंड्स नेम? बहुत सारे हैं, बट अगर आप इंस्टा खोल के देखोगे ना तो जो मेरे 4-5 अच्छे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मेरी बहुत अच्छी बनती है वो आपको मेरे इंस्टा पे पता लग जाएगा. इंस्टा पे फॉलो कर लो, केपी स्टाइल्स. ओके, और प्लीज ओपन अ यूट्यूब चैनल ऑन स्टडी रिलेटेड वीडियोज. भाई मैं स्टडी रिलेटेड नहीं खोल सकती. वो कह रहे हैं आप स्टडी मतलब पढ़ाने वाला यूट्यूब चैनल खोल लो. मैं नहीं खोल सकती गाइस, मैं इतनी होशियार नहीं हूँ. ठीक है, मतलब मैं अपनी पूरी स्कूल लाइफ में और कॉलेज लाइफ में 80% स्कॉलर ही रही हूँ. लाइक मेरे 10th में आए थे 82%, देन मेरे 12th में 80% आए थे. तो मैं हमेशा लाइक मम्मी मैं एक दिन में स्कूल टाइम में मैं कितने घंटे पढ़ती थी? 2 घंटे बस. मैं 2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकती गाइज. मैं अगर सुबह बैठी हूँ ना 11 बजे, 1 बजे तक 2 बजे तक दाट चट, उसके अलावा मैं पूरे दिन में नहीं पढ़ती थी. और इतना पढ़ के भी मेरे हर बार 80% आ जाते थे. तो लाइक अगर मैं ज्यादा पढ़ती तो शायद आ जाते. हाँ, बट इतना कम पढ़ के भी लाइक मेरे बहुत जो पूरा पूरा दिन पढ़ते थे ना उनसे अच्छे नंबर आते थे. सो हाँ, इंटेलिजेंट मुझे बोल सकते हैं. ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम साक्षी जैन. उन्होंने बोला है आपका फ्यूचर प्लान क्या है? मेरा एज सच कोई फ्यूचर प्लान नहीं है. लाइक मैं जो कर रही हूँ ना मैं वही उसी में. हाँ,
वही कंटिन्यू रखूंगी। एंड आपको कितनी डिफिकल्टी होती है जब आपको कोई हेट कमेंट आते हैं, हाउ डू यू डील विद इट? मेरे को पहले क्या होता था ना, मेरे को कोई हेट कमेंट आता था, मैं उनको रिप्लाई करती थी, ठीक है, फिर मतलब गुस्से में नहीं, मैं नॉर्मली प्यार से रिप्लाई करती थी कि सड़ के चले जाओ, ठीक है। बट अब मैं क्या करती हूँ, मैं उनको भाव ही नहीं देती हूँ, मैं उनका कमेंट डिलीट मार के उनको चैनल से ब्लॉक मार देती हूँ। भाई अगर तुम्हें चैनल पसंद नहीं है तो मत देखो। हाँ सही बात है, ठीक है। अब जैसे अभी ना मैंने ज्वेलरी की एक वीडियो डाली थी, ज्वेलरी कलेक्शन, तो ना मतलब बड़े सारे सामान को ना मैंने क्यूट बोला कि क्यूट है क्यूट है क्यूट है। एक लड़की मेरे को कह रही है आपने इतनी बार क्यूट बोला है, अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा जब आप कोई खुद सामान खरीदते हो आपको क्यूट लगता है तभी खरीदते हो ना, अच्छा लगना और क्यूट लगना, अगर कोई क्यूट चीज अच्छी लग रही है तो आप उसको खरीद रहे हो। कहती नहीं क्यूट लगना और अच्छा लगना फर्क होता है। मैं कहा भाई सेम होते हैं, मतलब ये तो बेसिक है, कोई रॉकेट साइंस है, कोई क्यूट चीज अच्छी लग रही है तो ऑब्वियसली आई विल कॉल इट क्यूट। ओके फिर है द वेरीफाइड की तरफ से, डू यू रिमेम्बर योर सब्सक्राइबर्स नेम? सब्सक्राइबर्स के नेम हाँ मैं बहुत अच्छे से लिखती हूँ। एक तो ये वेरीफाइड ही हो गया, ठीक है, एक कीर्ति शर्मा जिनको मैंने अभी अभी किया था, आरू शुक्ला है, मंजू शिकारा है, ठीक है, उसके बाद साक्षी जैन है, परी खान है, एंड मतलब बहुत सारे हैं, क्यूटी पाई मेक ओवर्स है, ठीक है, फिर वंशिका के दिया, मुझे बहुत याद रहता है, ऐसा कुछ नहीं है मुझे अपने सब्सक्राइबर्स के नाम नहीं याद रहते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम परी खान, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन परी खान का ही आ गया। हाई आई एम मुस्लिम, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम सो हैप्पी कि पाकिस्तान से भी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, लाइक अच्छी बात है। माई क्वेश्चन इज आप मेकअप वीडियोस इतनी कम क्यों बनाते हो? अच्छा मैं मेकअप वीडियोस कम क्यों बनाती हूँ, द थिंग इज पहले मैं बहुत ज्यादा बना रही थी बट मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुझे एक्ने वगैरह बहुत ज्यादा होता है, राइट। तो अगर मैं बहुत ज्यादा मेकअप करती हूँ ना अपने फेस पे तो वो पिंपल्स जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं, मतलब मुझे बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कुछ वीडियोज में कि मैं बिना मेकअप के ही करूँ, बट जैसे अभी मैंने मेकअप किया है, मैंने इसका लुक शेयर किया, लाइक मैं कभी कभी जब मेकअप करती हूँ मैं उसका लुक जो है वो शेयर कर देती हूँ, दैट इज द रीजन कि मैं अभी फिलहाल इतनी कम बना रही हूँ, बट जब ये मेरी प्रॉब्लम सही हो जाएगी आई मेक श्योर कि मैं आपको धड़ाधड़ मेकअप वीडियोस जो है ना वो दूँ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम निकिता चौधरी, उन्होंने पूछा आपकी हाइट क्या है? तो मेरी हाइट 5'4" और 5'5" के बीच में है, लाइक पूरी प्रॉपर 5'5" तो आई डोंट नो, आई थिंक होगी, तो मेरी हाइट 5'5" ही है, ठीक है। टेल अस समथिंग अबाउट योर फैमिली, फैमिली के बारे में क्या होता हूँ, ये रही मम्मी, पापा बाहर गए हुए हैं, भाई घर पे है नहीं अभी इस टाइम। ओके अच्छा आरू शुक्ला कह रही है आप एक्टिंग के लिए ट्राई करो, यूट्यूब में इतना टाइम नहीं मिलता तो फिर एक्टिंग में क्या करें? और एक्टिंग तो इसमें इजी नहीं है, हाँ मतलब उसके लिए आपको अपना खाना पीना इतना वो करना पड़ता है, मतलब बहुत मुश्किल है गाइस, एक्टिंग इज नॉट इजी, लाइक एक्टर्स वगैरह पता नहीं कितना वो करते हैं तब जाके उनको इतना वो होता है ना। योर एज एकम कौर पूछ रही है, तो मेरी एज है 21। देन आरपी स्टाइलिश टिप्स पूछ रहे हैं आपकी यूट्यूब इनकम कितनी है, तो लाइक ऐसे यूट्यूब पे बताना अलाउड नहीं है कि कितनी इनकम है, बट हाँ अच्छी खासी इनकम हो जाती है, लाइक मैं अपना खर्चा निकाल लेती हूँ इनकम से। एंड या गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई होप ये छोटा सा क्यू एन ए जो है वो आपको अच्छा लगा होगा, एंड इफ यू डू प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो मेरी मम्मी के भी हाथ मेरी तरह लाल रहते हैं। So I will meet you in the next video. Till then, bye bye.